यहाँ पे हमें नोट करना है कि हर कॉलम जो है वो पिछले कॉलम से 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि 1000 इज़ 10 टाइम्स मोर देन 100, 100 इज़ 10 टाइम्स मोर देन 10, एंड 10 इज़ 10 टाइम्स मोर देन 1। मतलब कि अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 10 आ जाएगा, अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 100 आ जाएगा, एंड अगर मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 1000 आ जाएगा। ये जो नंबर 10 है, फैक्टर है 10 का, ये आ रहा है हमारे पास बेस 10 नंबर सिस्टम की वजह से। जैसा हमने डेसिमल में नंबर को ब्रेक डाउन किया था 1000 में, 100 में, 10 में और 1 में, हम उसी तरह से बाइनरी में भी कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1101, एंड उसको ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं। डेसिमल के अंदर हमारा जो फैक्टर था वो था 10, बिकॉज हमारे पास 10 डिफरेंट डिजिट्स थे। यहाँ पे हमारे पास हमारा जो फैक्टर होगा वो होगा 2, बिकॉज हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, 0 एंड 1। तो हम लोग उसी तरह से लिखते हैं, यहाँ पे होगा 2 टू द पावर 0, यहाँ पे होगा 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के बजाय हमारे पास 2 के फैक्टर्स होंगे। तो एनी थिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मतलब ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है एंड ये 1 है। ये मेरा नंबर था बाइनरी में 1101। अगर मुझे इसका डेसिमल वैल्यू चाहिए होगी तो मेरा एक तरीका ये है कि मैं काउंट करना शुरू करूँ 4 बिट्स के नंबर्स, एंड मैं देखूँ कि ये नंबर जो है उसका डेसिमल वैल्यू क्या है। जैसे हमने करा था, यहाँ पर हमने देखा 1101 एंड इसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो 13 है, तो हमें पता चल गया कि 1101 इज़ 13 इन बाइनरी। लेकिन काउंट करने के बजाय हम लोग इसके फैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं नंबर को जैसे हमने डेसिमल में किया था। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 1101 जो है, हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, एंड ये इक्वल हो गया 8 प्लस 4, ये तो 0 है एंड ये 1, तो ये इक्वल हो गया 13 के। तो या तो हम लोग काउंट करके देख सकते हैं कि आपका जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, या फिर आप उसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं कॉलम के अंदर, फैक्टर्स के अंदर, जिस तरह से हम लोग ने डेसिमल में किया था। यहाँ पे हर कॉलम पिछले कॉलम से 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। 4 इज़ इक्वल टू 8 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 4, 4 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 एंड 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 1। अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम देखें और हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट अवेलेबल हो, तो हम लोग नंबर्स 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं, जो कि 10 टोटल नंबर्स हैं, 10 टोटल नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक। लेकिन इनमें से लार्जेस्ट नंबर जो है वो है 9। दिस इज़ फॉर 1 डिजिट। अगर मेरे पास 2 डिजिट्स हों तो मैं लिख सकती हूँ 0 से लेकर 99 तक। 2 डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर जो मैं लिख सकती हूँ वो है 99। और यहाँ पर मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर है हमारे पास वो है 100। तो देयर आर 100 टोटल नंबर्स। एंड इन 100 टोटल नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर जो है वो है 99। 3 डिजिट्स के अंदर मेरे पास 000 से लेकर नंबर्स जाते हैं 999 तक। यहाँ पर हमारे पास 999 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, एंड टोटल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास 1000 हैं। 0 से लेकर 999 तक 1000 नंबर्स हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बिकॉज हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 0 से, इस वजह से हमारे जो टोटल नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एंड जो लार्जेस्ट नंबर है वो उससे एक कम है।
अगर हम यहाँ पे ये नोट करें कि ये नंबर 10 है, ये नंबर 100 है एंड ये नंबर 1000 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3। जब मेरे पास 1 डिजिट था तो मेरे पास 10 टोटल नंबर्स थे, जब मेरे पास 2 डिजिट्स थे तो मेरे पास 10 रेज़ टू द पावर 2 टोटल नंबर्स थे, जब मेरे पास 3 डिजिट्स थे तो मेरे पास 10 रेज़ टू द पावर 3 टोटल नंबर्स थे। तो टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स। तीनों केसेस में मेरा जो लार्जेस्ट नंबर है वो जो है वो टोटल नंबर्स से 1 लेस है। मतलब अगर मेरे पास 1 डिजिट अवेलेबल था तो मेरा लार्जेस्ट नंबर था 10-1, 9। जब मेरे पास 2 डिजिट्स थे तो मेरा लार्जेस्ट नंबर जो था वो था 100-1, 99। 3 डिजिट्स में मेरा जो लार्जेस्ट नंबर था वो था 1000-1, 999। तो जो मेरा लार्जेस्ट नंबर है वो है टोटल नंबर्स, मतलब 10 रेज़ टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। ये हम लोग ने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। अब हम देखते हैं कि बाइनरी में क्या होता है। अगर हमारे पास 1 बिट हो तो हम लोग लिख सकते हैं 0 एंड 1। 2 बिट्स हो तो हम लिख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 3 बिट्स के अंदर हम जा सकते हैं 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। यहाँ पे टोटल नंबर्स जो हैं वो हैं 2। आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2 टू द पावर 1। यहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं वो हैं 4, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 2। यहाँ पे भी जो टोटल नंबर्स हैं वो हैं 8, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3। आप काउंट करके देख लें, यहाँ पे टोटल नंबर्स जो हैं वो 8 हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 1 1 1 1, का मतलब है 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1, विच इज़ द नंबर 3। यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 1 1 1 एंड 1 1 1 का मतलब है 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, विच इज़ 1 प्लस 2 प्लस 4, विच इज़ द नंबर 7। तो अगर डेसिमल में देखें, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर 3 है एंड यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर 7 है। तो अगर आप इसका कनेक्शन देखें तो दिस इज़ 3 इज़ 4 माइनस 1। मैं 3 को लिख सकती हूँ 4 माइनस 1। मैं 1 को लिख सकती हूँ 2 माइनस 1। मैं 7 को लिख सकती हूँ 8 माइनस 1। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिनेरियो है कि जो मेरा लार्जेस्ट, जो मेरे टोटल नंबर्स हैं वो हैं 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स। यहाँ पे टोटल नंबर था 2 रेज़ टू द पावर 1 1 बिट के लिए, 2 रेज़ टू द पावर 2 2 बिट्स के लिए, 2 रेज़ टू द पावर 3 3 बिट्स के लिए, लेकिन मेरा जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है वो है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे मेरा लार्जेस्ट नंबर था 1 विच वॉज 2 माइनस 1, यहाँ पे मेरा लार्जेस्ट नंबर था 3 विच वॉज 4 माइनस 1, एंड यहाँ पे मेरा लार्जेस्ट नंबर था 7 विच वॉज 8 माइनस 1। तो ये हमारा फार्मूला है टू फाइंड आउट कि आप लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर